बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बेटे, 8th क्लास के मैथ के लेक्चर नंबर 29 के साथ मैं हूँ खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। जी मेरे बेटे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6G से रिलेट है। 6G, लास्ट टॉपिक पे हमने 6H के बारे में पढ़ा था, सॉरी E के हवाले से पढ़ा था। एक्सरसाइज 6G को आज हम डिस्कस करेंगे। एक ही क्वेश्चन है, उसके 6-7 मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। बुक का पेज नंबर 106 के ऊपर ये टोटल 8 पार्ट हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। जी बेटे, क्वेश्चन है कि इलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हर पार्ट के अंदर आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशन से y को इलिमिनेट करना है। इलिमिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म कर देना, इसको निकाल बाहर करना। अब पार्ट के अंदर देखिए, उसे कहा कि इलिमिनेट y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने y को इलिमिनेट भी करना है और जो मेथड यूज करना है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग पढ़ चुके हैं डिफरेंट मेथड्स, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, सब्स्टिट्यूशन का, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट का, ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन के मेथड को यूज करते हुए y को खत्म करना है। क्वेश्चन देखिएगा, पहला पार्ट दिया हुआ है ry minus s is equal to 0, ये एक इक्वेशन गिवन है, और दूसरी इक्वेशन गिवन है ly minus d is equal to 0। ये दो इक्वेशंस गिवन हैं और दोनों इक्वेशंस में से आपने y को इलिमिनेट करना है कि हम इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से कंबाइन करें कि y की वैल्यू नजर नहीं आनी चाहिए। ये मेरे बेटे इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड की। कैसे? माइनस का s इज इक्वल टू, किस तरफ आएगा तो प्लस का s हो जाएगा। आर वाई एज इट इज, माइनस s इधर आके प्लस का हो गया। अब ये आर वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैथ के रूल्स के मुताबिक अगर कोई इज इक्वल टू के इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय r। ये हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू को फाइंड करके इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर y की जगह पे y की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का मेथड हमने अप्लाई करना है। तो मेरे बेटे, हमने क्या किया कि l as it is, y की जगह मैंने ये y की वैल्यू पुट की, माइनस का d as it is equal to 0। अब जब हमने यहां y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर ली है तो सिंप्लीफाई करने पर ये l मल्टीप्लाई हो रहा है l s डिवाइडेड बाय r as it is, माइनस के d को इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, इधर माइनस का d है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये बन गया एल एस ओवर आर इज इक्वल टू डी। आप देख सकते हैं कि इसी क्वेश्चन में भी आपको y नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि y इलिमिनेट हो चुका है। आप चाहें तो क्वेश्चन को इस जगह तक भी सॉल्व करके छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को एक सिमिट्री में लाने के लिए, एक तरतीब में, एक नज्म व ज़ब्त में लाने के लिए मैंने क्या किया कि डिवाइडेड बाय वाला जो आर था उसको इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आया और डी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इक्वेशन बन गई एल एस इज इक्वल टू आर डी। ये भी आंसर ठीक है। आप चाहें तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो इक्वेशन को यहां तक भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, इसमें बेटे देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है, इसमें भी दो इक्वेशन गिवन है और वाई को इलिमिनेट करना है। फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x + 5y = 6 और दूसरी इक्वेशन गिवन है x - 5y = 2। अब ये दो इक्वेशंस जो हमारे पास गिवन है, हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन के अंदर से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशन में y की जगह पे पुट कर देंगे। आप चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, आप चाहें तो इसमें से भी y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही इक्वेशंस में से y की वैल्यू फाइंड करना दुरुस्त अमल है। यहां देखिए मेरे बेटे, मैंने क्या किया कि फर्स्ट इक्वेशन में से गिवन थी 3x + 5y = 6, यहां से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले 3x को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर गए। यहां पे 3x प्लस का है क्योंकि यहां पे इसके साथ कोई साइन नहीं है, जब साइन नहीं है तो ये प्लस का है, इज इक्वल टू के इस तरफ आया तो ये माइनस का हो गया। 5y अपनी जगह, इज इक्वल टू का साइन अपनी जगह, 6 अपनी जगह, प्लस के 3x को इधर लेके आए तो माइनस का 3x। अब y की वैल्यू चूंकि फाइंड करना चाहते हैं तो y के साथ मौजूद 5 को भी खत्म करने के लिए इज इक्वल टू के इस तरफ लेके जाएंगे। अब ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आए तो ये 5 डिवाइड हो गया। अब ये 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा था तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा, तो जितनी भी वैल्यूज होंगी सारों पे डिवाइड होगा। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई जो मैंने हासिल की इक्वेशन नंबर 1 के साथ। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देते हैं। अब मेरे बेटे देखिए, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है x - 5y = 2, x as it is, minus और 5 as it is।
y चूंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट की, तो मैंने ब्रैकेट लगाया और इसको इज इक्वल टू के इस तरफ 2 एज इट इज रहने दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप यहां तक भी अगर सॉल्व कर लेंगे तो भी आंसर ठीक है क्योंकि इसके अंदर आपको कहीं पर भी y नजर नहीं आ रहा, y इलिमिनेट हो चुका है। लेकिन इसको मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आप चाहें तो इसको मजीद सादा ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसका तरीका कार क्या है कि ये 2 से डिवाइड हो रहा था, मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे पार्ट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इज इक्वल टू के इस तरफ मौजूद तीसरे एलिमेंट को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिविजन वाला 2 और मल्टीप्लीकेशन वाला 2 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी रह गया 5 × 6 − 3x इज इक्वल टू के इस तरफ इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4। यहां तक भी आंसर वैलिड है, ठीक है, लेकिन मजीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2x माइनस 5 को अंदर वाली ब्रैकेट पूरी वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो 30, माइनस के 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मेरे बेटे पहले पढ़ चुके हैं कि बाहर वाली वैल्यू जब अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है तो आप लोग पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके, तीन चीजों से मल्टीप्लाई होती है, साइन साइन से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है और कॉफिशेंट कॉफिशेंट से मल्टीप्लाई होता है। उस रूल के मुताबिक माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, आंसर आया प्लस का 15x इज इक्वल टू ये 4 एज इट इज। अब ये प्लस का 15x प्लस का 2x दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी कीमतें हैं तो मैंने दोनों को आपस में जमा कर दिया और ये बन गया 17x। माइनस के 30 को इज इक्वल टू के इस तरफ लेकर आया तो माइनस का 30 इधर माइनस में है, उधर आया तो ये प्लस का 30 हो गया, 30 प्लस 4 इज इक्वल टू 34, 17 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर गया तो डिवाइड हो गया, एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली 2। आप चाहें तो यहां तक भी आंसर ठीक है, इधर भी ठीक है, यहां तक लिख दें तो भी ठीक है और इसको यहां तक सिंप्लीफाई करें तो भी ठीक है, क्योंकि मेरे बेटे हम इसमें से y को इलिमिनेट करना चाहते थे तो हमने इलिमिनेट कर दिया। आपकी आसानी के लिए मैंने एक क्वेश्चन और भी सॉल्व किया, इसमें भी दो इक्वेशंस हैं, y + p = q और यहां देखें y का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए p को इधर लेके आया तो ये हो गया y इज इक्वल टू ये q एज इट इज, प्लस का p इधर आया तो माइनस का p। अब इस y की वैल्यू को इसमें y की जगह पे मैंने पुट कर दिया, यहां पे मेरे बेटे आप गौर कीजिएगा कि y का स्क्वायर है, जब y का स्क्वायर है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू का भी स्क्वायर बनेगा, ये q माइनस p का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू के बाद सी स्क्वायर एज इट इज। अब आप लोग पढ़ चुके हैं कि a माइनस b का दो वैल्यूज दरमियान में माइनस का होल स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम जैसे इसको अगर एक्सपेंड करें तो ये बनेगा q का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर माइनस 2pq प्लस ए स्क्वायर वैसे का वैसे इज इक्वल टू सी स्क्वायर भी वैसे का वैसे और यहां से y इलिमिनेट हो चुका है। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहां तक करके भी छोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें भी y इलिमिनेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, यहां पे दिया हुआ है ay इज इक्वल टू टी का स्क्वायर और दूसरी क्वेश्चन है 2ay इज इक्वल टू टी। आप क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को इधर लेके गया तो a यहां पे मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया y is equal to t square over a। अब t square over a इस सेकंड इक्वेशन में y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 और a as it is, y की जगह उसकी वैल्यू t square over a पुट किया is equal to ये वाला t भी वैसे का वैसे। सिंप्लीफाई करें तो t is equal to 1 over 2 आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए और मेरे बेटे सॉल्व किया, क्वेश्चन को जरा तवज्जो के साथ देखिएगा। यहां पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है y is equal to square root of 2, ये स्क्वायर रूट का साइन सिर्फ 2 के ऊपर है, t के ऊपर नहीं है। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन में y स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये भी स्क्वायर रूट का साइन सिर्फ 4 के ऊपर है, t के ऊपर नहीं है। आप इस इक्वेशन से y की वैल्यू, अब यहां पे ऑलरेडी y की वैल्यू गिवन है, हम y की इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में y की जगह पुट कर देते हैं, ये y का स्क्वायर है, जब y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2t, ये वाली वैल्यू मैंने यहां y की जगह पुट की तो ये स्क्वायर एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 और t एज इट इज। जब इसका स्क्वायर रूट खोले, ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 तो एज इट इज आएगा, लेकिन ये स्क्वायर इस t के साथ भी है तो आंसर में ये t की पावर 2 बन जाएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल होता है 2 के और ये वाला t एज इट इज। सिंप्लीफाई किया तो t की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। आज के असाइनमेंट मेरे बेटे यही है और इसको पूरा एक्सरसाइज को आपने रजिस्टर्स के ऊपर कंप्लीटली सॉल्व करना है, अपने हाथ से सॉल्व भी करेंगे और इसको तैयार भी करेंगे। बहुत शुक्रिया मेरे बेटे।